हाई विवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सो आज की वीडियो में हम इंग्लिश का कोई टॉपिक उठाएंगे एंड उस पर uh, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि मैं एग्जाम में इंग्लिश को कैसे सॉल्व करता था आई बी पी एस क्लर्क एंड आई बी पी एस पी ओ एंड एस बी आई के एग्जाम्स में भी मैं इंग्लिश को कैसे सॉल्व करता था ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ठीक है तो प्रैक्टिस मॉक के हमारे पास मॉक्स एंड ग्रामर से हम स्टार्ट कर सकते हैं ग्रामर में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली इसमें नोट की मुझे लगता नहीं है नीड है तो नोट को हटा भी सकते हम स्टार्ट uh, करते टेस्ट को द कंपनी एम्स टू केटर हमें इसमें क्या करना है इन द गिवन क्वेश्चन बिलो सेंटेंस इज गिवन डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स वन पार्ट कंटेन वन और वन ऑफ द पार्ट्स में कंटेन एरर एरर डिटेक्शन वाला है द कंपनी और बर्थडेज जो हैं मेरे हिसाब से ठीक है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पार्ट दैट कंटेन एरर ठीक है द वर्ड एंड द बोल्ड आर ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट बाकीियों में एरर हो सकता है हमें फाइंड आउट करने है कि कौन से पार्ट में एरर है द कंपनी एम्स टू केटर टू द ग्रोइंग नीड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज द कंपनी एम एम्स होना चाहिए ना कंपनी सिंगुलर है इसलिए एम्स आएगा ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट ओकेजनली द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड इशूज स्पेशल कॉमोमरेटिव बैंक नोट्स टू मार्क पर्टिकुलरली ओकेजेंस पर्टिकुलरली ओकेजन नहीं आएगा मार्क्स पर्टिकुलर ओकेजन्स पर्टिकुलर ओकेजन होना चाहिए यहाँ पे सेवन नेक्स्ट नहीं हो रहा सेवन नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा इसमें अब होएगा ठीक है सॉइल इरोजन में भी आ स्लो प्रोसेस दैट कॉन्टीन्यूज रिलेटिवली अनोटिस्ड सॉइल इरोजन में भी आ स्लो प्रोसेस दैट कॉन्टीन्यूज रिलेटिवली अनोटिस्ड और इट मे अकर इट मे अकर्ड इट में अकर्ड नहीं होना चाहिए इट मे अकर सिंपल प्रेजेंट की बात करें ना इट मे अकर एट एन अलार्मिंग रेट काजिंग अजिंग अ सीरियस लॉस ऑफ टॉप सॉइल नेक्स्ट पे चलते हैं रेसिज्म स्पेशली अगेंस्ट द चाइनीज रेसिजम अगेंस्ट द चाइनीज स्पेशली अगेंस्ट द चाइनीज सिंस द डच रूल इज अ मेजर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू एंड स्टिल कॉन्टीन्यूज टू दिस डेम अगेंस्ट द चाइनीज इसको स्किप कर सकते हैं अभी के लिए इसको बाद में देखेंगे फर्स्ट में आंसर मार्क नहीं हुआ फर्स्ट का आंसर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पे आते हैं द फेस्टिवल मैनेज मैनेज टू ओवरकम अ वैरायटी ऑफ चैलेंजेस थ्रू अप बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम की मार्केट्स एंड द चेंज इकोनॉमिक क्लाइमेट द फेस्टिवल मैनेज टू ओवरकम अ वैरायटी ऑफ चैलेंजेस थ्रू अप बाय इट्स डिस्टेंस इसको भी बाद में देख सकते हैं Uh, इसमें तुक्के मारने का कोई सेंस नहीं बनता है इंग्लिश में एक्यूरेसी तभी मेंटेन रहेगी जब आप एक्यूरेटली आंसर करोगे जब आप तुक्के नहीं मारोगे ठीक है सेक्शन इसमें क्या करना मार्क द ऑप्शन कंटेन द पार्ट विदय सेक्शन फोर नाइनटी फोर ऑफ द क्रिमिनल कोड परमिट्स द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन हु वन फाइंड्स कमिटिंग वॉज फाउंड कमिटिंग एन एंड इंडिक्टेबल ऑफेंस हु वन फाइंड्स कमिटिंग हु वन फाइंड कमिटिंग नहीं होना चाहिए हु वॉज फाउंड कमिटिंग तो ऑप्शन नंबर डी में एरर है इफ यू आर प्लान्ड एडवेंचर एक्टिविटीज इफ यू आर प्लानिंग एडवेंचर एक्टिविटीज सच एज स्कूबा डाइविंग और माउंटेनियरिंग तो इफ यू आर प्लान्ड नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर प्लानिंग होना चाहिए ना इन्श्योर दैट दीज आर कवर्ड बाय योर पॉलिसीज ठीक है वेन वोटिंग अ पूलिंग बोथ वेन वोटिंग एट अ पुलिंग बूथ There are officials present who ensures officials present who ensure on a cheeky officials and a option number C. He spent hours working with he spent hours working with the copy desk and the news desk to make sure that the headlines were eye-catching and that the play was appropriate. He spent आरस वर्किंग विद द कॉपी डेस्क एंड द न्यूज डेस्क टू मेक श्योर दैट द हेडलाइंस वर आई कैचिंग एंड दैट द प्ले वॉज अप्रोप्रिएट इसमें कोई एरर लग नहीं रहा है बट बाद में देख सकते हैं विद ईच मॉडल द जापनीज ऑटो मेकरस आर ट्राइंग टू मेक सर्टेन बायर्स गेट अकार दैट ऑफर्स बेटर फ्यूल इकोनमी बट डज नॉट कम compromised on power and comfort do and does but automakers trying to make certain buyers get a car that offers say with each model the Japanese automakers are trying to make certain buyers get a car that offers better fuel economy but does not compromise. कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होना चाहिए ना डज नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन कॉम्प्रोमाइज ऑन फ्यूल एंड कॉम्फर्ट हो सकता है ठीक है तो अब तीन क्वेश्चन हैं देखते हैं इनमें अगर अटैम्प्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते टाइम ज़्यादा नहीं हुआ स्पेशली अगेंस्ट स्पेशली स्पेशली इसमें शायद से स्पेशली का कॉन्सेप्ट हो सकता है या फिर अगेंस्ट में एरर हो सकता है आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट इसको स्किप करते हैं द फेस्टिवल मैनेज टू ओवरकम अ वराइटी ऑफ चैलेंजेस थ्रू अ बाइट्स डिस्टेंस फ्रॉम की मार्केट्स थ्रू अप एट इट्स डिस्टेंस इसमें भी श्योर न्यू में थर्ड वाला है ही स्पेंड hours वर्किंग विद द कॉपी डेस्क एंड द न्यूज़ डेस्क टू मेक श्योर that द हेडलाइंस वर आई कैचिंग and दैट द प्ले वॉज appropriate. इसको भी स्किप कर सकते हैं सबमिट करके देखते हैं टेस्ट में कितने करेक्ट हुए तुक्के मारने का कोई मन नहीं कर रहा और मारने भी नहीं चाहिए तुक्के एग्जाम में ठीक है तो देखते हैं आई होप सही हो जाएँ सारे सारे ही करेक्ट हैं बाकी इनको देखते हैं क्या है इनमें सोल्यूशन uh, देखते हैं इसमें भी कोई एरर नहीं है ठीक है अच्छी बात है इसमें भी कोई एरर नहीं है ठीक है और इसमें थ्री अप बाइड डिस्टेंस थ्री डिस्टेंस इसकी जगह क्या आना चाहिए थ्रोन थ्रोन रिप्लेस द सेकेंड फॉर्म वर्क थ्री विद थ्रोन एज दिस पार्ट ऑफ देंटेंस पैसिव वॉइस ठीक है थ्रोन अप बाइट डिस्टेंस ठीक है तो ये uh, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया और इसी तरह से आपको भी इंग्लिश में जो है वो एक्यूरेटली सारे अटैम्प्ट करने हैं ताकि आपको पता लगे कि आप जो सोच रहे हो वो करेक्ट है या नहीं और आप एक एस्टिमेट लगा सको कि जितने आपने अटैम्प्ट करे उतने एक्यूरेट हुए या नहीं हुए मेन uh, रीज़न यही होता है हमारा कि हमारे मार्क्स कम आते हैं जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि हम एरर्स ज़्यादा कर देते हैं और स्पेशली जब इंग्लिश आता है एग्जाम में तब उसमें ज़्यादा एरर हो जाते हैं तो आपको भी कुछ नहीं करना बस जिसमें आप श्योर हो जिसमें शॉर्ट शॉर्ट हो जिसमें आपको पता है कि यही रीज़न है इस आंसर के होने का वही आपको अटैम्प्ट करना है और अपने एरर्स को मिनिमाइज़ करना है और ऐसे ही एग्जाम में आपको अटैम्प्ट करना है अच्छे से ठीक है तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय